जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्सपुरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जैसे बिहार में अभी आया हुआ है गया और कटिहार में ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है मुजफ्फरपुर और गया का, कैसे आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा वो वीडियो जा करके देख लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गया और कटिहार का। तो अगर गया और कटिहार से हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, और कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा पूरी जानकारी मैं आगे स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना होगा। इस पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फ्रेंड्स आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे alljobs4u.com, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक उसका भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पहले से पंजीकृत, मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से अपना यूजर नेम की जगह अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके सिंपली यहाँ पर लॉग इन करके अपना फॉर्म फिल करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, अगर आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा। अगर फिर भी उसमें कुछ गलत हो गया हो तो कैसे आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना होगा बोलिएगा, तो मैं विस्तार से इस पर वीडियो बना दूंगा कैसे आप अपना दूसरा रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ से लॉग इन करके फॉर्म भरिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपसे बताने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन करके आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ये आएगा कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको आपको आकर कंटिन्यू पर नीचे कोने में क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको अपना फिल करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मैं बिहार यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आप अपना आधार नंबर फिल कीजिए। अगर आपके आधार कार्ड पे आपका नाम गलत हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, UIDI, इस पर यूज करके आप अपना फॉर्म भरिए। आप अपना आधार कार्ड पे नाम गलत है तो सुधरवा दीजिए, जैसे आप सुधराइएगा अपडेट करवाइएगा तो आपको रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग पे ये नंबर आपको देखने को मिलेगा, वो डालिए और आगे फॉर्म फिल करिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा, अपना नाम फुल नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे गार्जियन नेम, फादर्स नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मदर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे या लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट ही कर लेता हूँ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ से कुछ ऐसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी अभी उस पर मैसेज आएगा, एक्टिव ईमेल आईडी हो वही फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव अपना मोबाइल नंबर, ये दोनों फिल करके आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मेल पे एक OTP जाएगा, मैं आगे दिखाता हूँ सबमिट करके। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपना डाटा फिल करके सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि OTP एक आपके मेल पर सेंड कर दिया गया, ये आपका ईमेल आईडी है। तो चलिए मैं ओके करता हूँ और अपना मेल यहाँ पे चेक करता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आपको आपका OTP सेंड कर दिया गया है। सॉरी, मैं अपना मेल एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, फिर आगे आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ कैसे आगे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे मेल नहीं मिला है, मैं वेट कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो स्टॉप कर देते हैं। चलिए आ गया मेल और मेरा OTP मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। सॉरी, फ़ोन में कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है। 872 और सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अगर आपका मेल नहीं आया है तो आप यहाँ पे अगेन जनरेट OTP पर क्लिक कर सकते हैं। मेरा मेल आ गया, मेरा OTP आ गया, मैं फिल करके सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा मेरा अगला पेज ओपन होकर आएगा। और देखिए, ये फ़ोन में कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपको आपका नाम दिख जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर या आपका पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा, जेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अपना मैरिटल स्टेटस, सॉरी जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ, मैरिटल स्टेटस आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना हाइट सेलेक्ट करना होगा कि आपका हाइट
क्या है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स और आ जाना नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करेंगे कि आपने क्या पढ़ रखा है, मैट्रिक या ट्वेल्थ जो भी हो आप यहाँ लगा सकते हैं। ट्वेल्थ लगाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है मैट्रिक बोर्ड कौन सा बोर्ड है आपका, तो यहाँ पे मेरा बोर्ड नहीं दे रहा है तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेंथ का स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद मैट्रिक का यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होगा, जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको और ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल आईडी दिख जाएगा, आपने यहाँ पे जो एलिमेंट नंबर आपने डाला था वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्या है आपका गया है या कटिहार है, गया वाला यहाँ पर गया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना तहसील सेलेक्ट करेंगे, कटिहार वाला यहाँ से अपना कटिहार सेलेक्ट करेंगे, कटिहार वाला कटिहार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे तहसील। उसके बाद यहाँ से अपना तहसील सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर नीचे आना होगा, नीचे आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। कैसे पासवर्ड क्रिएट करना हो मैं आपको बता दूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम हो, उसके बाद ऐट द रेट करेंगे या कोई भी एक स्पेशल करेक्टर लेंगे, उसके बाद 1 2 3 या जो भी ऐसे करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। कोई भी यहाँ पे अंक आप डाल सकते हैं ये इसमें। उसके बाद फिर से इसमें, उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे जो आपका ये डाटा है सेव हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फ्रेंड्स आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए कैसे लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म फिल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिल करना होगा यूजर नेम, जो आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड जो आपने खुद से क्रिएट किया होगा वो। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करके सिंपली लॉगिन करना होगा। चलिए मैं फटाफट लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे मैंने आधार वेरीफाई नहीं किया तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा देखने को मिला होगा। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको माय प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, यहाँ से अपना प्रोफाइल पहले अपडेट कर लेना होगा अगर आप पुराने होंगे तो। यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद अपडेट पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेना होगा अगर आप पुराने होंगे तो। अगर आज ही आपने रजिस्ट्रेशन करा है तो आपको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले साल का ये फॉर्म भरा था तो आपको एक बार अपडेट कर लेना ज़रूरी होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अपडेट करके। अगर आपने आज ही रजिस्ट्रेशन करा, आज ही फॉर्म भरा है तो अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड सेव हो गया। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा दो नंबर में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आपने इस पर क्लिक करेंगे आपका सारा डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म भर जा रहे हैं, कौन किस किस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे सोल्जर जीडी, यहाँ पे टेक्निकल है, उसके बाद क्लर्क है, नर्सिंग है, सोल्जर ट्रेडमैन है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर टेक्निकल से अप्लाई करके आपको अप्लाई पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे अप्लाई ये लिखा है, आपको ये साइड में लिखा था, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ निर्देश है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू करिएगा। फिर आप इस पेज पे आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना फ़ोटो फिल करना होगा। सबसे पहले आपको कुछ फिल करना होगा, यहाँ पे अपना रिलीजन फिल करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, हिंदू। उसके बाद यहाँ पे क्लास आपको फिल करना होगा, अहिर हैं या फ्रेंड्स, जो भी हो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अदर का भी ऑप्शन होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मैं बिहारी यहाँ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे जो 5 से 20 KB के बीच में हो। उसके बाद एक सिग्नेचर लेंगे जो आपका 5 से 10 KB के बीच में हो। तो चलिए मैं फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। और फ़ोटो सिग्नेचर कैसे बनाना है, मैंने इस पे पहले से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करके जाकर देख सकते हैं कैसे आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर रिसाइज करना होता है।
तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे फिल कर लिया, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। देखिए लोडिंग प्लीज वेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको वेट कर लेना होगा। देखिए फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ फ्रेंड्स आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना होता है। जैसे हाउस नंबर है तो यहाँ पर आप हाउस नंबर नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, याद है तो अपना हाउस नंबर लिख देंगे यहाँ पर पूरा आप सॉरी हाँ देखिए तो यहाँ पर आपको अपना मकान संख्या लिख लेंगे, उसके बाद फुल एड्रेस आप यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद विलेज आपको लिख लेंगे, टाउन यहाँ पे लिख लेंगे, स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चलिए मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। हाँ देखिए मेरा अब आ गया, वहाँ पे कुछ एरर आ रहा था जिसकी वजह से नहीं आ रहा था, ये मेरा सारा डाटा आ गया मेरा। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे फिल करना होगा, इस पुलिस स्टेशन फिल कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद टेलीग्राम ऑफिस जो आप फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जो रेड रेड आपको दिखने दिख रहा होगा स्टार, इसको आपको फिल करना ज़रूरी है, जो रेड नहीं दिख रहा होगा उसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। चलिए मैं फटाफट फिल करके आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना एड्रेस फिल कर लिया, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आप अगले पेज पर आएंगे, डिटेल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य रैली है आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद स्पोर्ट आपके पास है या नहीं, NCC है या नहीं है, आपको यस या नो कर लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, ये भी रिकॉर्ड मेरा सक्सेसफुल होगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले वर्क यानी कि कोर्स आपको देखने को मिलेगा, कोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे। मैं 12th यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और भी 12th आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी हो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किस बोर्ड से आपने 12th करी है, मैंने स्टेट बोर्ड से करी है, मैं स्टेट बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने कब पास किया था। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, रोल नंबर जो भी हो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको एक देखने को मिल जाएगा, ऐड ये फिल करके आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुल, ये ऐड हो गया। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, सारा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, पेंसिल वाले, उसके बाद यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब नीचे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपका सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, अपना सब्जेक्ट लेंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो भी आपके बैक हो जाता है फ्रेंड्स बार बार यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट में ये मेरा मार्कशीट में पहले हिंदी है तो मैं हिंदी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑब्टेंड मार्क आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितना आपको हिंदी में मिला है और यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको कितने में मिला है, कितना का था फुल मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर ऐड राउ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए ये आपका ऐड हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा नीचे वाले में, यहाँ से आप दूसरा सब्जेक्ट लेंगे जो भी आपका दूसरा सब्जेक्ट हो, मेरा दूसरा इंग्लिश है, मैंने फिल कर लिया। सिंपली ऐड राव पर, न्यू ऐड राव पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरा ये भी राव ऐड हो गया। अरे यार फ़ोन में कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रहा है। मेरा तीसरा मैथ है, मैथ यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स इसको भी आपको यहाँ पर कितने नंबर आए हैं मैथ में आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। उसके बाद कितने में आए हैं, कितने का था मैथ, सेलेक्ट ऐड राव पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे फिल करके आगे आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। उसके बाद आता है ये हाथ से लग जाता है बार बार। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने अपना यहाँ पे सारा डाटा फिल कर लिया, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा ये मेरा पेज सेव हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप किसके किसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पे सोल्जर, यहाँ पे टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। अगर आप टेक्निकल से ही रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप चाहते हैं चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पे कीपर टेक्निकल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, स्टोर कीपर। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स एक और है सोल्डर टेक, अगर आप इससे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ।
माइक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया और सबमिट हो गया। तो फ्रेंड जैसे आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिला। अगर कुछ गलत है या कैंसिल करना चाहते हैं, दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैंसिल करके आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गलत है वो तो ऐसे एडिट भी कर सकते हैं। अब आप कैसे देखेंगे कि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है, ये देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा हिस्ट्री पर, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने जितने फॉर्म भरा है सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नेम, रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेड, उसके बाद सबमिट, सारा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रेड देखने को मिल जाएगा, और कब आपने फॉर्म सबमिट करिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 9:10 AM में। और ये आपका फॉर्म सबमिटेड हो गया है, आप व्यू करके देख सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। और आपने पिछले साल अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा तो भी आपको देखने को मिल जाएगा 2017-18 में, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर चाहते हैं दूसरे फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे कैंसिल करके दूसरे पोस्ट के लिए भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, व्यू करके देख सकते हैं। तो यही बताता था आपको इस वीडियो के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और आपके कोई मन में कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे ऑल जॉब्स फ्री, मेरा आईडी आ जाएगा।